आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल इंडियन फूडी फूडी पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जिसको खाकर आपके बच्चे उछल पड़ेंगे। हाँ जी, वो है वेज स्प्रिंग रोल। वेज स्प्रिंग रोल बनाने के लिए मैंने एक कटोरी मैदा लिया है। इसमें हम 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे और इसका डो रेडी करेंगे। ये थोड़ी सी मैदा मैंने अलग से ली है, इसमें थोड़ा सा पानी डालकर घोल बनाएंगे और उसको स्प्रिंग रोल को चिपकाने के लिए यूज़ करेंगे। ये 2 टमाटर मैंने कट करके लिए हैं, 1 प्याज लिया है, 2 लाल मिर्च ली हैं, 7 से 8 कलियां लहसुन की ली हैं। ये मैंने चटनी बनाने के लिए लिया है सामान। ये सब्जियां मैंने वेज स्प्रिंग रोल की फिलिंग तैयार करने के लिए ली हैं। इसमें मैंने लिया है पत्ता गोभी, गाजर, लगभग 1 कप पत्ता गोभी है, 1 कप गाजर है, 1 कप शिमला मिर्च है, 1/2 कप प्याज है, 4-5 हरी मिर्च हैं, 7-8 लहसुन की कलियां हैं और 1/2 इंच का टुकड़ा अदरक का ग्रेट करके लिया है। ये सारी चीज़ें स्टफिंग के लिए हैं। सबसे पहले हम लेंगे 1.5 कप मैदा। आप किसी भी कटोरी से मेज़रमेंट करके ले लीजिए। आप चाहें तो इसमें 1/2 मैदा और 1/2 गेहूँ का आटा भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे, 1 टीस्पून इसमें घी या ऑयल जो भी आप डालना चाहें वो डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें मिक्स होने के बाद इसमें पानी डालकर रोटी की तरह सॉफ्ट आटा गूंथ लेंगे। देखिए इसका डो इस तरीके से रेडी करेंगे। सारा आटा गूंथने के बाद इस तरीके से, इसको इस तरीके से नहीं गूंथना है आटे की तरह, इसको इस तरीके से खींचते हुए गूंथना है, तभी हमारा जो रोल का बेस है वो बहुत ही अच्छा बनकर रेडी होगा। अब इसको हम 1/2 घंटे के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। गैस का फ्लेम ऑन कर लिया है, कढ़ाई रख ली है। अब इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे, ये लगभग 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल इसमें डाल देंगे। कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें इस तरीके से लहसुन क्रशर से हम लहसुन क्रश कर देंगे, इसे क्रश कर देंगे, इसको निकाल के इसमें डाल देंगे। आप कूट कर भी ले सकते हैं। लहसुन का हल्का कच्चापन निकल चुका है। अब इसी स्टेज पे हम डाल देंगे अदरक जो ग्रेट करके रखा था, ग्रीन चिली, प्याज, शिमला मिर्च, इसको लगभग 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, गाजर, प्याज और शिमला मिर्च के फ्राई हो जाने के बाद गाजर को हल्का फ्राई कर लेंगे। पत्ता गोभी, सारी सब्जियों को इस तरीके से मिक्स करते हुए लगभग 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, सारी सब्जियां अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। अब इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच टोमेटो सॉस, 1 टेबल स्पून चिली सॉस, मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका। इसमें अभी नमक नहीं डाला है, इसमें नमक हम तभी डालेंगे जब हम शीट्स रेडी कर लेंगे। स्टफिंग तैयार करने के बाद इसी कढ़ाई में हम 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। इसमें हम चटनी रेडी करेंगे, इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं पड़ता है। 2 लाल मिर्च, 7-8 कलियां लहसुन की, 1 प्याज, 2 टमाटर, इनको फ्राई कर लेंगे। इसमें लगभग 3-4 टेबल स्पून पानी डाल देंगे, हल्का सा पका लेंगे, बस 2 मिनट पकाना है। 2 मिनट हो चुके हैं, सब्जियों को अब ज़्यादा कुक नहीं करना है, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और ठंडा होने के बाद इसको पीस लेंगे। अब ये जो मैदा है इसमें लगभग 2 टेबल स्पून पानी डाल के
गाढ़ा घोल बना लेंगे। ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है इसमें, इस तरीके से गाढ़ा गाढ़ा। अगर लगे तो आप थोड़ा सा और डाल लीजिए, कुछ कम लगे तो इस तरीके से गाढ़ा घोल बना लें। इससे हमारे स्प्रिंग वेज रोल को चिपकाने में आसानी रहती है। ये देखिए डो हमारा आधे घंटे में सेट हो चुका है। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे, लगभग इतने शीट बनाने के लिए। अब इसको गोल गोल बेल लेंगे इस तरीके से। सूखा मैदा लेकर के ये देखिए इस तरीके से सारी लोइयों को बेल लेते हैं। और ये मैंने बेल कर रख लिया है सारी लोइयों को। अब इस शीट पर कुकिंग ऑयल लगाएंगे अच्छे से सभी जगह। उसके बाद इसके ऊपर सूखा मैदा डालेंगे। इसी तरीके से सारी शीट्स पे मैदा और कुकिंग ऑयल लगा लेंगे, बची हुई शीट्स पे भी। ये देखिए सारी शीट्स पे मैंने ऑयल लगा लिया है। इसके बाद इसको इस तरीके से प्लेट पर रख देंगे और इस शीट पर सूखा आटा डालेंगे, पूरे में फैलाएंगे। दूसरा शीट इसी के ऊपर रख लेंगे और इसको रखने के बाद इस पर भी सूखा आटा डालेंगे। एक और शीट इसके ऊपर रख देंगे, सूखा मैदा डाल देंगे। एक और शीट इसके ऊपर रख देंगे, इस तरीके से दबा लेंगे। ये हमारी एक और लोई रेडी हो गई है। अब इसको हम पतला बेल लेंगे रोटी की तरह। इस तरीके से पतला बेल लेंगे। किनारों का विशेष रूप से ध्यान रखें, पतले होने चाहिए। गैस का फ्लेम ऑन कर लिया है, तवे को गर्म होने देंगे। तवे को गर्म कर लिया है, तवा रोटी जितना गर्म करना है और इस रोटी को इस तरीके से डाल देना है। इसको हमें ज़्यादा देर नहीं सेकना है, इसको हल्का सा सेकना है, इसमें बबल्स नहीं आने देने हैं। रोटी हमारी एक तरफ सिक चुकी है, ये देखिए बबल्स नहीं आने देने हैं। हल्का सा दूसरी तरफ भी सेक लेंगे। ये देखिए दोनों तरफ सिक चुकी है, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये देखिए हमारी रोटी सिक चुकी है। अब इसमें हम आसानी से इसकी लेयर्स निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी आसानी से निकल रही है, बहुत ही आसानी से ये सारी लेयर निकल जाएंगी इसी तरीके से। और ये हमारी शीट बनकर रेडी हो जाएगी। अब हम इसमें फिलिंग भरेंगे। सारी शीट्स को अलग कर लेंगे, एक शीट यहाँ पर रख लेंगे और उसमें साइड से, बीच में नहीं फिल करना है, साइड से इस तरीके से लाइन से स्टफिंग को रख लेंगे। ज़्यादा स्टफिंग फिल करेंगे तो हमारी जो रोल है वो फट जाए, इसलिए थोड़ी सी स्टफिंग रखें। अब इस घोल को लेंगे जो हमने तैयार करके रखा था, सारे किनारों पर अच्छे से फैला देंगे। अब इस तरीके से घोल लगाने के बाद इसको कस के दबा करके चिपका लेंगे ताकि तेल में ये हमारे रोल फटे नहीं। इसको फोल्ड करने के बाद इस घोल को दोबारा इसके ऊपर साइड से लगा देंगे। दोनों साइड घोल लगने के बाद इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। दबाने का विशेष ध्यान रखें, ये कढ़ाई में फटे नहीं। ये देखिए एक रोल हमारा कितने अच्छे से रेडी हो चुका है। इसी तरीके से हम बाकी रोल्स को भी रेडी कर लेंगे। ये जो चटनी का मिक्सचर हमने रेडी करके रखा था, इसमें नमक डालेंगे और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए चटनी हमारी पीसकर रेडी हो गई है। इसको ज़्यादा फाइन नहीं पीसना है। अब इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून विनेगर। तेल मीडियम गर्म हो चुका है, इसमें डाल देंगे। पलट पलट कर सेक लेंगे, पलट कर दोनों साइड अच्छे से सेक लेंगे। एक साइड हो चुके हैं। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जब स्टफिंग फिल करें तो उससे पहले नमक ज़रूर डाल लें, क्योंकि नमक हमने पहले नहीं डाला था। स्प्रिंग वेज रोल बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इसी तरीके से हम सारे रोल्स को सेक लेंगे और फिर इनकी प्लेटिंग करेंगे।
देखिए कितने क्रंची रोल बनकर के हमारे रेडी हुए हैं, ये देखिए देखिए वेज स्प्रिंग रोल बनकर रेडी हो गए हैं, है ना। कितने अम्मी लग रहे हैं, आपके बच्चों को बहुत पसंद आने वाले हैं। और ये बनेगा सुबह का नाश्ता या फिर शाम का नाश्ता। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको ये टेस्ट कैसा लगा। मेरे चैनल इंडियन फूडी फूडी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।